अरे बिहार विश्वविद्यालय फुटबॉल टीम पुरुष की घोषणा कर दी गई है। प्रशिक्षण उपरांत टीम में 18 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। फुटबॉल टीम की घोषणा विश्वविद्यालय के खेल सचिव अजीत कुमार ने की है। विश्वविद्यालय की टीम कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए 1 नवम्बर को मिथिला एक्सप्रेस से प्रस्थान करेगी। बिहार विश्वविद्यालय की टीम पहला मैच 3 नवंबर को पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय से खेलेगी। बता दें कि 22 अक्टूबर से टीपी वर्मा महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों के 24 खिलाड़ी शामिल रहे। प्रशिक्षण उपरांत विश्वविद्यालय टीम में 18 खिलाड़ी चयनित हुए हैं। विश्वविद्यालय फुटबॉल टीम के कोच सुनील वर्मा ने बताया कि टीम काफी संतुलित है। स्थानीय महाविद्यालय में इन खिलाड़ियों का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। टीपी वर्मा कॉलेज के माध्यम से बैनर तले आज कलकत्ता में जा रही है आपकी टीम, क्या कहना चाहिए? हमारी शुभकामना है कि टीम अच्छा से अच्छा करे। देखिए, यूनिवर्सिटी तथा टीपी वर्मा कॉलेज पिछले कई दशकों से फुटबॉल के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहा है और ये जगविदित बात है, और हम लोग चाहेंगे अपना नाम, अपना प्रदर्शन उसी तरह से रखें जो इनके पहले वाले बैच के जो खिलाड़ी थे, मैंने अपने अव्वल परफॉर्मेंस से हम लोगों का नाम रोशन किया है। ये लोग भी वैसे ही करें, और कलकत्ता फुटबॉल के लिए जाना जाता है, वहाँ जाके अगर ये लोग ट्रॉफी लेके आते हैं या बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, इससे खुशी की बात तो कुछ नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि वो लोग बढ़िया से खेल के आएँ, बढ़िया से जीत के। सर परिचय दीजिए। मेरा नाम दुर्बादल भट्टाचार्य है, मैं यहाँ बढ़िया अध्यापक हूँ। धन्यवाद।